हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम टेस्ट स्टार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद के जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। उपरोक्त चार्ट में सभी टेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब वर्ब फॉर्म को दर्शाया गया है, लेकिन वाक्य बनाने के नियम इस प्रकार हैं। सिंपल सेंटेंस, किसी भी टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है वो हम इस तरह बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट वर्ब की फॉर्म प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फॉर्म प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस है डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। अधिकतर जो टेंस हैं वो नियमों से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं इस प्रकार हैं। जैसे प्रेजेंट डिटरमिनेट का सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्रपोजिशन लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू या डज, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि कर्ता आपका ही सी इट या नाम यानी थर्ड पर्सन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। और मैंने बोला है कि वह दिल्ली जाता है, तो ही गोज टू दिल्ली। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस जब हम बनाएंगे, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में केवल इसी नियम में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वह दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली। आगे नियम है कि दो या दो से अधिक शब्द वाले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, जिनमें दो हों या दो से अधिक शब्द हों हेल्पिंग वर्ब में। फॉर एग्जांपल, जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव, विल हैव, शैल बी, विल बी। इनका प्रयोग हम सेंटेंस बनाते समय कैसे करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में यदि हम वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द वाले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द तो पहले, फिर नॉट, और बाकी हेल्पिंग वर्ब के जो दूसरे शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है। वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य प्रश्नवाचक है और दो या दो से अधिक शब्द वाला हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द तो पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बाकी जो हेल्पिंग वर्ब के शब्द बचते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए उसी प्रकार सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और बाद में जो हेल्पिंग वर्ब के बाकी शब्द बचते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। मैंने एग्जांपल दिए हैं एक साथ, जैसे राम दिल्ली नहीं जा चुका होगा, तो राम विल नॉट हैव गोन टू दिल्ली। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द आ गया विल, उसके बाद नॉट है, और फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा शब्द हो गया है। क्या मोर नाच रहा होगा? विल द कॉक पीकॉक बी डांसिंग। विल द पीकॉक बी डांसिंग। वे सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे? वाई विल दे नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। यहाँ पर सिंस या फोर का प्रयोग है, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। आगे है सिंस या फोर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं, यदि निश्चित समय का वर्णन हो, जैसे मंडे मॉर्निंग 2001 आदि हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई गिनती हो, कोई नाउन हो,
किसी दिन का नाम हो, किसी महीने का नाम हो, तो वहाँ पर फोर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे या मॉर्निंग कह सकते हैं आप। इट हैज़ बीन रेनिंग फोर टू डेज, दो दिनों से वर्षा हो रही है। और पहले सेंटेंस में है कि सुबह से वर्षा हो रही है। आगे हम क्वेश्चन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन वर्ड आप सभी जानते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से बोलते हैं जिन्हें। व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, विच, कौन सा, हु, किसका, कौन, हुज, किसका, हुम, किसको, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे, हाउ मेनी, कितना, गिनती में, हाउ मच, कितना मात्रा में, हाउ फार, कितना दूर, हाउ लॉन्ग, कितनी देर। यदि इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाए तो वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाता है। इसका जो रूल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्बी फॉर्म प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट स्थान पर भी कर लिया जाता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन वर्ड के साथ एक संज्ञा जुड़ी होती है तो उसे हिंदी से अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गाना किसने गाया, हु सिंग द सॉन्ग, किसकी पुस्तक, हुज बुक। तो आशा है सभी विद्यार्थी इन नियमों को याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके।